या रसूल अल्लाह आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। हम के ताखीरे जमाना के सबब दूर हुए, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैयत की है। अच्छा आप क्या सोच रहे हैं, जलसे में ज्यादा लोगों का आ जाना, ज्यादा भीड़ का हो जाना। मैं हमेशा कहता हूं कि 10,000, 20,000, 25,000 से जलसा कामयाब नहीं होता है। 15 लोग हो, 20 लोग हो, 25 लोग हो, 100 लोग हो, मगर कैसे लोग हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ये वक्त अजमतों किरदार के ठब होते हैं, ये वक्त अजमतों किरदार के ठब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह वो भी करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। जरा दिल लगा कर उसे दे दो, उसे दे दो, उसे दे दो, ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। जरा दोनों हाथों को उठाएं और पूरी ताकत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। अभी भी आपकी आवाज नहीं है, एक बात का एहसास जरूर है, अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजा है कि इतने लोगों को आवाज कितनी हो सकती है आपकी। आपका ईमान नहीं है कि सीने में जो दिल धड़क रहा अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है, ईमान है ना भाई? तो मोहब्बत के साथ आप बोले जश्ने जश्ने मिलाद सजा देने का डरने का नहीं, जश्ने मिलाद सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। मुझे एहसास हो कि बंगाल में पढ़ रहा हूं मैं। जश्ने मिलाद सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले, ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। और जो भी गुस्ताखियां सरकारें तो आलम की करे, उसको जिंदा ही जला देने का डरने का नहीं। जो भी गुस्ताखियां सरकारें तो आलम की करे, उसको जिंदा ही जला देने का डरने का नहीं। नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। तो मोहब्बत के साथ आप बैठे हैं, बैठे रहे, मैं अच्छी तरह एहसास कर सकता हूँ इस बात का। आइए मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा, एक जमाने से शेर व अदब के उफ़ पर आफ्ताब बनकर चमकने वाली आवाज, हजरत कारी शमीम रज़ा फैज़ी साहब। वो आपके सामने आ रहे हैं और मुल्क हिंदुस्तान के बाकमाल सुखनवरों में जिनका शुमार होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खनकती हुई आवाज एक मर्तबा दिल लगाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें मोहब्बत और एहतराम के साथ। अगर ईमान है, मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उलमा के साथ मैं इस बात पर कभी बहस नहीं करता, अगर खता हो जाए और इनकी अता हो जाए खता पर, तो इससे बड़ी क्या चीज है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुहसिन आपका वो है जो आपकी इस्लाह कर दे। कुरान कहता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा कि किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहां पर अमल किया। जब जमीन तांबे की होगी आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में झालदा की ये जमीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी, इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रहे थे। है कि नहीं? हजारों लाखों सौ सैकड़ों गोंगे आपके घर के आसपास रहते होंगे जिनके पास हाथ नहीं है, वो तमन्ना करते हैं काश खुदा मुझे भी हाथ देता, मैं भी हुजूर के नाम पर अपने हाथ को उठाता। तो मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत मसला के आला हजरत तहफुज़े नामुसे रिसालत नारे त